एंट्री पॉइंट है। हम इनका एमनियोसिंथेसिस करने वाले हैं। इनका जो डबल मार्कर का जो रिस्क है, एंटी स्कैन और डबल मार्कर दोनों का जो कंबाइन रिस्क है वो ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम के लिए हाई रिस्क आया है। इस वजह से हम इनका एमनियोसिंथेसिस करने वाले हैं ताकि कंफर्मेशन हो सके कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। इसके लिए हम ये 22 गेज की निडल यूज करने वाले हैं। इसमें हमें बेबी के ऑर्गन्स को अवॉइड करना होता है और ऑर्गन फ्री एरिया हमें चूज करना है। ये ऑर्गन फ्री एरिया हमें मिला है। ये हम निडल को इंटर करने वाले हैं। स्क्रीन पे दिखा, ये निडल की टिप है। चलो निकालो। बारिश अभी जब इसमें लेने लगे तो देखा इसमें फीटल ऑर्गन्स और कोई भी ब्लड वेसल है उसको हमें अवॉइड करना होता है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड हम निकाल रहे हैं। इसके बाद हम इसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जेनेटिक लैब्स में भेजेंगे और इस पर्टिकुलर केस में हमने क्रोमोसोमल माइक्रोएरे और साथ में QPCR टेस्ट एडवाइस किया है। QPCR की रिपोर्ट हमको 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगी और CMA लगभग 7 से 8 दिन में हमें इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी।
ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। और हमने ये नीडल बाहर निकाल ली, बस ये वहाँ दिख रहा है स्पीड। इसके बाद हम बच्चे की हार्ट बीट को चेक करेंगे। तो उस प्रोसीजर में भी बिल्कुल ठीक है। ये हार्ट बीट 162 पर मिनट। तो ये 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड हमने निकाला है और इसको हम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। ये बिल्कुल क्लियर बिना किसी स्टेन के साथ ये एमनियोटिक फ्लूइड है।